हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप लोग का पूजा के फिर से एक नए ब्लॉग वीडियो में। तो आप लोग सब लोग कैसे हो गाइस? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में मस्त होंगे। तो ये मॉर्निंग की शुरुआत हो चुकी है, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, मैं सुबह सुबह उठ के ना अपने बाल बाल को फोल्ड करके ऊपर क्लच लगा के और उसके बाद आ गई ब्रश करने। सबसे पहले उठ के ब्रश करती हूँ और जैसा कि आप देख सकते हो आज कितना धूप उगा है कि धूप यहाँ तक पहुँच गया। और मैंने ब्रश किया, उसके बाद फेस वॉश से अपना फेस को मतलब क्लीन किया, फेस को धोया, क्योंकि मैं आप लोगों को पता है मैं 2-3 दिन से फेस वॉश यूज कर रही हूँ। पहले नहीं करती थी, बहुत टाइम तक छोड़ दी थी, लेकिन अब करना स्टार्ट की हूँ क्योंकि देखती हूँ क्या रिजल्ट आता है। फेस भी अब थोड़ा थोड़ा ना मतलब दूसरे टाइप का होते जा रहा है, उखड़ा उखड़ा टाइप का होते जा रहा है, तो देखती हूँ रिजल्ट आता है कि नहीं आता है। और उसके बाद मैं फेस उस को धो के ब्रश करके और उसके बाद पहुंच गई अंदर रूम में, जिस रूम में कोई, इस रूम में ना गाइस कोई नहीं सोता है अभी। पहले हम लोग सोते थे, लेकिन पहले ना इस रूम में 2 पलंग था तो दोनों पे सब लोग सोते थे, लेकिन अब कोई नहीं सोता। अब उस रूम में हम लोग सोते हैं। एक और रूम है जो रूम आप लोग देखे होगे, जिस रूम में परी हमेशा खेलते रहती है, उस रूम में भी 2 बेड है, तो उस रूम में हम लोग सोते हैं। एक पे हम मम्मी और एक पे अभी खाली रहता है, पापा आते हैं तो पापा सोते हैं। तो ये रूम खुला हुआ मतलब खाली ही रहता है, लेकिन डेली इसमें झाड़ू पड़ता है। जैसा कि रूम में कोई रहे या ना रहने के, रूम में झाड़ू पड़ना बहुत जरूरी रहता है, क्योंकि घर मतलब लक्ष्मी जो होता है ना, लक्ष्मी मतलब अंदर आता है घर झाड़ू मतलब होने से, या तो घर में दिया जलने से। हाँ, शाम के टाइम दूरा पे बाहर में गेट पे दिया जलना चाहिए, शुभ होता है, अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है, अच्छा अच्छी सोच आती है घर के अंदर, निगेटिव सारे सोच सब बाहर जाती है, बहुत सारे चीज ना मतलब माना जाता है। तो इसी की वजह से मतलब इस सारे रूम में हम लोग झाड़ू देते हैं। तो अपना रूम हो गया और फिर ये रूम हो गया और बरेंडा हो गया। बरेंडा में मैं झाड़ू करते करते, जैसा कि आप लोग डेली मेरे ब्लॉग देखते होगे तो आप लोग को पता होगा कि मैं डेली पूरे घर में झाड़ू देती हूँ, बरेंडा तक बाहर लेके निकलती हूँ। तो ये मैं बरेंडा में झाड़ू देने लगी। बरेंडा जब जैसा कि आप लोग देखे होगे मेरे मायके, ये मेरा घर मतलब मायके हुआ, तो ये यहाँ का बरेंडा बड़ा है और उसका बड़ा है, उसके बाहर में ना देख सकते हो आप बाहर जगह भी है। तो बाहर मैं झाड़ू करते करते सीढ़ी जो बाहर 3-4 सीढ़ी है छोटा छोटा, बच्चे लोग को बैठते उठते हैं शाम के टाइम, सब लोग बैठते हैं बात मतलब वहाँ पे करते हैं हम लोग शाम के टाइम, सब लोग एक जगह बैठते हैं तो वहाँ अच्छा लगता है। और ज़्यादा लोग घर में रहते हैं तो और अच्छा लगता है सब लोग। और जैसे मतलब बड़ा घर में ना थोड़ा सा आदमी ज़्यादा हो ना तो अच्छा लगता है, कम आदमी हो तो अच्छा नहीं लगता, सुना सुना जैसा घर लगता है, ये बात हो जाता है। तो ये मैं बाहर तक आज झाड़ू दे रही हूँ और ये देख सकते हो आधा दूर तक धूप आ चुका है और मैं जल्दी जल्दी झाड़ू दे लूँगी। और उसके बाद टप में ना पानी मैंने चल मतलब भरने के लिए छोड़ दिया था। जैसा कि आप लोग जानते होंगे मैं डेली डेली छत मतलब घर में सबसे बाहर पानी दे देती हूँ, जैसा कि सुबह ही पानी देना चाहिए, लेकिन सुबह मेरी नींद नहीं खुलती है गाइस, इसी की वजह से लेट डेली लेट हो जाता है। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं पानी सुबह के टाइम मतलब सबसे पहले उठ के झाड़ू करके पानी ही बाहर में दे दूँ। तो ये मैं सब जगह देख सकते हो, मैं जग से ना पानी छीट दी, सारा पानी देती जितना भी नीचे मतलब जितना दूर तक मैं देती हूँ डेली, मैं वहाँ वो ड्यूटी निभा ली। अब मैं आ गई अंदर, यहाँ देख सकते हो मेरी बेटी उठ के तैयार है गुड़िया को लेके, इसको ना ये गुड़िया बहुत अच्छा लगता है, इसके साथ बहुत खेलती है, मतलब खिलाना पिलाना सब करती है, कुछ भी खाती है तो इसको भी खिलाती है, खेलती है तो इसको गोदी में लेके टांगे भी देती है, किसी को छूने नहीं देती, टच नहीं करने देती है, मतलब इसको बहुत अच्छा लगता है। देख सकते हो, देखना ये क्या करती है, मेरी बेटू है, ये मेरी गुड़िया है, मेरी गुड्डू है, क्या बेटू तुमको अच्छा नहीं लगता हम किसी को लेते हैं तो? मेरी बेटू है, मेरी गुड्डू है, मेरी गुड्डू है, क्या हुआ? नहीं कोई भी मत कहिए, मेरी बेटी है, मेरी परी है, मेरी परी को हम खिलाएंगे, परी को हम गाना सुनाएंगे, परी को सुलाएंगे, सो जा मुन्ना, सो जा मुन्ना। बेटू को भूखू लग गया होगा, मेरे परी को भूखू लग गया, हाँ परी को हमारे भूखू लग गया, इसको जा रहे इसको दूध पिलाएंगे और खाना खिलाएंगे। चलो चलो परी, ऊपर ही को छोड़ दो, चलो चलो ये परी को छोड़ दो, ये परी को चलो, हम जा रहे इसको लेके दूध पिलाने, इसको क्या हुआ? क्या हुआ?
देखो फुआ आई नानी। मैं परी को लेके आ गई यहाँ पे, परी को कुछ ना कुछ खाने के लिए देने के लिए। मैं सारा मतलब वहाँ पे ना बेड सब वैसे ही छोड़ दी हूँ, सिर्फ परी को गोदी में लेके आ गई। जैसे कि बच्चे लोग उठते हैं सबसे पहले माँ के पास रहते हैं, माँ को छोड़ते नहीं हैं, तो परी का भी यही हाल है। परी मुझे मतलब सुबह उठते सबसे पहले मेरे पास रहना चाहती है, उसको मेरे पास मतलब हर बच्चे को अपनी माँ के पास बहुत सुकून मिलता है, तो परी का भी यही हाल है। और उसके बाद परी को मैं गोदी में लेके आ गई थी। यहाँ पे मैं देख सकती हूँ अनार ना 4-5-6 दिन हो गया, अनार पूरा सूख रहा है, पूरा मतलब सूखा हुआ टाइप का हो गया है। तो मैं सोची इसको ना आज तीनों को ना मतलब छोड़ा दूंगी, उसके बाद रख दूंगी कम से कम, कभी कभी मतलब दिन भर छोड़ाया हुआ रहेगा तो उसे देख देख के याद भी आएगा कि खाना है। ऐसे रखा हुआ रह जाता है ना, पड़ा हुआ रह जाता है, खराब हो जाता है। इसी की वजह से मैं सोच रही थी तीनों को आज ना छोड़ा दूँ, ताकि परी को ना, परी इधर से इधर घूमते घूमते खा लेगी, मोबाइल देखती है परी और खाती है। तो इसी की वजह से मैं इस मतलब तीनों अनार को लेके बैठ गए। चाकू से देख सकते हो परी भी इधर छुड़ाने की कोशिश कर रही है। उसका तो बदमाशी ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, सो के उठती है बदमाशी शुरू हो जाता है उसका। और उसके बाद देख सकते हो गाइस, मैं इधर ना सब्जी भी सबसे पहले उठ के झाड़ू करके मैं सब्जी ही चढ़ा ली थी कि परी को उठने से पहले मेरा खाना बन जाता है। तो आज भी ऐसा ही है, परी को उठने से पहले मेरा सब्जी बन चुका था। देख सकते हो आप, सब्जी बुन जा चुका है। इसमें हल्दी अभी मैं नहीं ऐड की हूँ, हल्दी और नमक नहीं ऐड की हूँ, लास्ट में करूँगा। इधर गोभी भूंज के भी रख दी थी मैं, गोभी निकाल लेती हूँ और मटर आलू को भूंज के, जैसा कि आप लोग देखते हो कि मैं सब्जी बनाती हूँ तो इधर चढ़ा हुआ है। और मैं जल्दी जल्दी इधर रोटी बनाने में लग गई, रोटी जल्दी जल्दी मेरा इधर रोटी भी बन गया, सब्जी और रोटी आज बना था। क्योंकि मैं मम्मी सिर्फ है तो क्या चावल खाने का मम्मी को मन नहीं था, मम्मी का तबीयत ठीक नहीं है तो चावल नहीं बना था मेरे घर, रोटी ही बना था, रोटी ही हम लोग खाए थे। और मम्मी ऐसे मम्मी को रोटी खाना पसंद नहीं है, लेकिन क्या करें मजबूरी में चलता है। इधर मैं रोटी उटी मेरा खाना बन चुका है, बन के कम्प्लीट हो चुका है। उसके बाद मैं इधर आ गई अपना बेड उठ झाड़ने के लिए, जैसा कि रोज सुबह मैं उठ के बेड झाड़ती हूँ, तो परी को मैं उधर लेके चली गई थी। और उसके बाद मैं सोची कि इधर कर ही लेती हूँ, आई हूँ तो, और अलग अलग रूम है तो इधर करूँ उधर करूँ मतलब इधर उधर हो जाता है, तो मैं सोची इधर आई हूँ तो इधर करके जाऊँगी अब। तो ये मैं वही कर रही थी, इधर मैं बेड उठ सब मतलब झाड़ लूँगी और उसके बाद इस रूम को मतलब साफ़ सुथरा कर लूँगी और उसके बाद जाऊँगी। उसके बाद आगे देखती हूँ, खाना पीना हो गया, बर्तन हो गया और रूम साफ हो गया, तो मेन तो यही काम रहता है गाइस। उसके बाद तो आप एक्स्ट्रा में कुछ काम कर सकते हो, लेकिन मेन यही 5-6 काम जरूरी रहता है। और पोछा मेरे घर 3-4 दिन गैप करके होता है। उसके बाद गाइस इस बेड पे तब तक परी फोन देख रही थी, जैसे कि आप लोग देख रहे हो परी यहाँ पे ना फोन देख रही थी और कुछ खा रही थी। तो मैं वो बेड साफ करके ये वाले बेड पे आ गई। दो बेड है, जैसे कि मैंने बताया था कि इस रूम में हम लोग का दो बेड है, तो मैं इस बेड को भी झाड़ रही थी, क्योंकि रात को या तो कभी भी दिन में परी उस पर भी खेलते रहती है, कभी इस पर खेलती है, उसका कोई ठिकाना नहीं है, जिस पर चढ़ना रहता है वो चढ़ जाती है, तो उस पर चढ़ के वो देख सकते। फिर मैं उसे ना इस बेड पे कर दी और उसके बाद उस बेड का बिछौना निकाल उठा लूंगी और दूसरा बेडशीट बिछाऊंगी। ये बेडशीट थोड़ा बहुत गंदा हो चुका है, 4-5 दिन हो गया, तो इस बेडशीट को मैं उठा के तो मतलब दूसरा बेडशीट को बिछा लूंगी। देख सकते हो इधर इसके पापा परी के पापा मिठाई लाए थे, वो रखा हुआ था। और ये सब्जी मेरा बन के ऐसा बना है, और सब्जी सब मैं खाली करके बर्तन सब मैंने रख लिया था। और इधर परी देख सकते हो, परी पूरा ना मतलब ऊपर से नीचे पूरा भींगा के आ गई थी। बाद मैं परी का अब कपड़ा चेंज करूंगी, परी को पूरा ऊपर से नीचे फट सारा ड्रेस ना खोल के दूसरा पहनाऊंगी। परी पूरा भींगा के ली थी, पूरा एकदम बहुत हो गई थी पानी से, पता नहीं कहाँ से पानी से भींग के आई थी। तो मैंने इसका गंजी भी खोल दिया, क्योंकि गंजी भी अंदर तक मतलब भींग गया था, शरीर में हानि करता है, बच्चे लोग को भींगा हुआ कपड़ा पर नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए मैंने उसका गंजी भी खोल दिया और नीचे का पैंट भी सब खोल के सारा चीज़ सारा मतलब चेंज कर दी कपड़ा।
और उसके बाद मैं इसे खेलने के लिए बाहर नीचे उतार दी थी। उसके बाद परी बहुत देर तक इधर से इधर से घूम घूम के खाती है, खेलती है, इसका यही है ना। और देख सकते हैं ये ना बार बार उतरने के लिए ना छटपटा आ रही है खेलने जाने के लिए। बच्चे लोग का खेलने में बहुत मन लगता है, एक दो बच्चा रहता है तो बच्चे लोग को अच्छा लगता है एक दूसरे के साथ खेलने में। तो ये देख सकते हो मैं इसे ना रेड कलर का टी शर्ट पहना दी थी, जो कि आप लोग देखते ही होंगे। तो ये रेड कलर का टी शर्ट, ये सब ना उसको धीरे धीरे छोटा हो रहा है। बाद गाइस उसके बाद मैं वीडियो बनाने के लिए रेडी हुई थी नहा धोवा के, तो वीडियो बनाने के लिए रेडी तो हो गई नहीं कि इतना परी आज तंगी है, इतना तंगी है कि पूछो मत। मैं अपने लिए बहुत मुश्किल से टाइम निकाल पाती हूँ, परी ज़्यादातर सोती है तभी मैं वीडियो बना पाती हूँ, नहीं तो पॉसिबल नहीं होता। जिस दिन परी नहीं सोती उस दिन मैं वीडियो नहीं बनाती, और आज देख सकते हो परी सो के उठ के भी गई थी और मेरा काम कुछ कुछ बाकी था तो मैं नहीं कर पाई थी। और मैं सोची परी खेलते रहेगी तो मैं कुछ कुछ वीडियो बना लूँगी, लेकिन बहुत मुश्किल हो गया था। और उसके बाद ना मैं इसे मतलब सारे कपड़े सब जो था वो धोने के लिए छत पर ले जाके छोड़ दी थी कि कल अब धोऊंगी, जो भी कपड़ा बचा हुआ है आज नहीं कपड़ा धोई थी। और इधर तकिया के पास भी इसका एक दो टी शर्ट उर्ट खोला हुआ था, तो ये सब मैं सब खोल दी थी, चार्ज को फोल्ड कर दी थी। और उसके बाद फिर बाद मैं परी को लेके आ गई छत पे, जैसा कि मैं तैयार हुई थी वीडियो बनाने के लिए, मैं दो चार बनाई थी। उसके बाद परी मुझे नहीं बनाने दी थी और मेरा खाली हाथ ही घूमने गया था। मैं कंगन पहनी हुई थी पर मुझे ना खाली हाथ बहुत खराब लगता है, तो मैं ये इस हाथ का खोल के इस हाथ में पहन लूंगी चूड़ी, क्योंकि ना हाथ सुना सुना मतलब आदत हो जाता है शादी के बाद, चूड़ी रहता है हाथ में और मतलब शादी के बाद अलग ही हो जाता है बहुत कुछ की बहुत कुछ चीज़ का आदत लग जाता है। तो मैं इस हाथ से खोल के इस हाथ में पहन ली थी कि खाली खाली अच्छा लग रहा था, खाली खाली बहुत खराब लग रहा था, सुना सुना लग रहा था। एक मिनट के लिए छोड़ दी थी लेकिन फिर सोची नहीं, खराब लग रहा है, अपने आप में ही खराब लगने लगता है। जैसे मांग में अगर सिंदूर खाली हो तो अच्छा नहीं लगता है, गले में अगर मंगलसूत्र ना हो तो सुना सुना जैसा लगता है, बहुत खराब लगता है। लेकिन मेरी बेटी की वजह से बहुत मतलब मंगलसूत्र मेरा टूटता है, बहुत ज़्यादा टूटता है, तो लेकिन क्या करे, कुछ हो भी नहीं सकता क्योंकि बच्चे लोग को क्या कह सकते हैं। लेकिन मैं मंगलसूत्र बहुत बार लेती हूँ, बहुत बार 3-4 मंगलसूत्र मेरे यहाँ आते थे तो यहाँ पे तोड़ दी मेरी बेटी। और मैं ऐसे देखी साड़ी पहन के ही अब उसे मैं नहाने के लिए पूरा मुंह में ना लेमचूस खा के पूरा मुंह में लेमचूस लगा ली थी, पूरा गंदा कर ली थी, वो चट चट कर रहा था। तो मैं सोची इसको नहा ही देती हूँ, तो अभी तो धूप भी था, 11-12 बज रहा था, 11-12 बजे तक ही मैंने सारा काम वूम करके नहा वीडियो बनाने का सोचा था, लेकिन नहीं हो पाया था उतना। तो मैं सारा इसका फोए फेस उस देख सकती हूँ, मैं ना घस घस के इसको ना धोने की कोशिश कर रही थी, कि यहाँ पे नल चालू करके सारा पानी बर्बाद कर रही थी। और उतना पानी मतलब पानी की जब दिक्कत हो जाती है तब पता चलता है कि पानी का क्या महत्व है। तो मैं क्या कि यहाँ का नल कस के बंद कर दी और उसके बाद उधर एक बाल्टी इसको पानी दे दी, उसी में खेलने के लिए खेलो और नहाओ। तो इधर इस साइड में आ गई और उसके बाद इसको यहाँ पे नहाऊंगी मैं जल्दी जल्दी, साबुन उबुन सब मैंने लगा लिया था। अब इसको अच्छे तरीके से पीछे भी साबुन मतलब मैं सिर्फ गोड़ हाथ धोने के लिए आई थी, लेकिन इससे ना अलग ही इसका नौटंकी रहता है, देख सकते हो पानी से कितना भाग रही है। ऐसे कर करके मैं मुझे भी इसके साथ अच्छा लग रहा था, तो मैं भी बहुत देर तक इसके साथ खेली, फिर मतलब नहाई इसको, नहा के साफ सुथरा की थी, उसका कपड़ा वपड़ा चेंज की नीचे जाके आ रहा, और मैं भी पूरा भींग चुकी थी, मतलब साड़ी पूरा भींग गया था ऐसा। और ये साड़ी कैसा लग रहा है गाइस आप लोग कमेंट करके बताना, अगर आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो। ये ब्लाउज का डिज़ाइन मेरा, ये मेरा बहुत पुराना ब्लाउज का डिज़ाइन है, आज का नहीं, बहुत पुराना, इस साड़ी की भी नहीं है, इस साड़ी का ब्लाउज मैंने सिलाया भी नहीं है। और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक